नमस्कार, मैं हूं इंद्रमोहन। कर्नाटक से बीजेपी के लिए अच्छी खबर आई है। कर्नाटक उपचुनाव में 15 में से 12 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है, यानी कि बीएस येदुरप्पा की सरकार अब पूर्ण बहुमत में आ गई है। 222 विधानसभा वाली कर्नाटक विधानसभा में अब बीजेपी के पास 117 विधायक हैं, वहीं कांग्रेस के पास 68 और जेडीएस के पास 34 विधायक हैं। आपको बता दें कि बीएस येदुरप्पा के बीजेपी के लिए 6 सीटें जीतनी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। अगर वह 6 सीटें कम से कम नहीं जीतते तो यह सरकार गिर सकती थी, लेकिन बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 15 में से 12 सीटों पर जीत हासिल कर ली है। वो सीट और उन उम्मीदवारों के बारे में भी आपको बता देते हैं जिन्होंने जीत हासिल की है, क्योंकि इन 12 में से 11 उम्मीदवार अब मंत्री बनेंगे कर्नाटक सरकार में। शिवराम हेब्बार ये लालपुर सीट से जीते हैं, आनंद सिंह विजयनगर सीट से जीते हैं, रमेश जारकीहोली गोकाक सीट से जीते हैं, बीसी पाटिल हीरे केरूर सीट से जीते हैं, श्रीमंत पाटिल कागवाड़ सीट से जीते हैं, के सुधाकर चिक्का बल्लालपुर सीट से जीते हैं, महेश कुमार तल्ली अथानी सीट से जीते हैं, अरुण कुमार गुट्टूर रानी बेन्नूर सीट से जीते हैं, एसटी सोमशेखर यशवंतपुर सीट से जीते हैं, के गोपालैया महालक्ष्मी लेआउट से जीते हैं, नारायण गौरा कृष्णा राजपेट सीट से जीते हैं और बीएस बासवराव केआरपुरा सीट से जीते हैं। येदुरप्पा ने इस जीत के बाद खुशी जाहिर की और कहा कि उन्होंने जैसा वादा किया था इनमें से 11 विधायक जो जीते हैं उन्हें वो मंत्री पद की शपथ दिलवाएंगे। इसके लिए वो अंतिम फैसला दिल्ली जाकर लेंगे, जब दिल्ली में वो केंद्रीय कैबिनेट के साथ बैठेंगे फिर अंतिम फैसला लिया जाएगा। 15 में से 12 सीटें तो बीजेपी ने जीती, वहीं 2 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। इनमें से वो सीटें हैं पार्टी के रिजवान अरशद ने शिवाजी नगर और एचपी मंजुनाथ ने हुनसूर सीट पर बीजेपी के कैंडिडेट को शिकस्त दी है। वहीं 1 सीट पर निर्दलीय विधायक जीते हैं। होसा कोटे सीट पर बीजेपी से बागी होकर लड़ने वाले निर्दलीय कैंडिडेट शरद कुमार बाचे गौरा चुनाव जीत गए। आपको ये भी बता दें कि बीजेपी का इस उपचुनाव में वोट परसेंट भी बढ़ा है। इसके साथ ही कर्नाटक में अब बीजेपी का वोट परसेंट बढ़ते हुए 49.7% हो गया है। अगर आप चुनाव आयोग की वेबसाइट को देखेंगे तो इस पर अब बीजेपी का वोट परसेंट बढ़ के लगभग 50% के आसपास हो गया। वहीं कांग्रेस को 31% वोट मिले हैं और इस चुनाव में सबसे बड़ा झटका एचडी कुमार स्वामी को लगा है। उनकी पार्टी को एक भी सीट नसीब नहीं हुई, एचडी कुमार स्वामी की पार्टी को एक भी सीट नसीब नहीं हुई है। वहीं इसके बाद कर्नाटक में कांग्रेस की कमान संभाल रहे सिद्धरमैया ने भी अपने कर्नाटक में, वो विपक्ष के नेता हैं, सिद्धरमैया ने विधायक दल के नेता के तौर पर अपना इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा सोनिया गांधी को भेज दिया। अब देखना ये है कि अब जब कर्नाटक में बीएस येदुरप्पा की पूर्ण बहुमत की सरकार आ गई है तो अब कर्नाटक में विकास की कौन सी नई लकीर खींचती है। लगातार हमारी नज़र हर खबर पर बनी हुई। अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।